कक्षा 10वीं में समकालीन भारत के अंतर्गत हम संसाधन के बारे में देख रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कृषि। कृषि का हमने पार्ट वन आपको बता चुके थे, अब हम देखेंगे पार्ट टू में कृषि में अखाद्यान्न। उस दिन हमने खाद्यान्न फसलें देखे थे, आज हम अखाद्यान्न फसलें देखेंगे, क्योंकि ये भी कृषि के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। जैसे कि अब देखेंगे अखाद्यान्न फसलें में सबसे पहले है रबड़। रबड़ क्या है? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में की फसल है, परंतु इसे विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है। इसमें सबसे अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त तो होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ये रबड़ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर देखेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन सी है? जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया और प्राकृतिक रेशम, जो भारत में उगाई जाने वाली चार प्रमुख रेशेदार फसलें। क्या है? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इसमें पहली तो ये तीन पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है, जैसे कि ये काली मिट्टी में ही होती है कपास। फिर इसमें जो चौथा जो रेशम जो है, रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग कपास का एक मुख्य कच्चा माल है, जो कपास उत्पादन भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। फिर देखेंगे दक्कन के पठार के शुष्क स्तर भागों में भी काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर फसल उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है, जिसमें खरीफ की फसल है। और इसे पककर तैयार होने में 7 से 8 महीने लगते हैं। और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है। फिर देखेंगे जूट। जूट को जिसमें सुनहरा रेशा कहा जाता है, आप लोग को याद रखना होगा, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है और इसके बढ़ने के साथ ही उच्च तापमान की आवश्यकता भी होती है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इस प्रकार बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, और इसकी उच्च लागत के कारण इसमें कृत्रिम रेशों की पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम होती जा रही है। फिर देखेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे पहले बताया जा चुका है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे इसकी गति मंद हो गई है, विकास कम हो रहा है, सिंचाई के साधनों के विकास होने के उपरांत भी देश में बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर है। यह इसलिए है क्योंकि जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने वाले कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकार चकबंदी। चकबंदी क्या है? छोटे छोटे खेतों को बड़ी खेतों में परिवर्तित करना। जब हम छोटे छोटे खेतों को बड़ी खेतों में चकबंदी को करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम वहां पर आधुनिक मशीनों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर सहकारिता है, जमींदारी है आदि, ये समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, फिर भूमि पुश्तैनी अधिकार के कारण टुकड़ों में बढ़ती जा रही, जिसे चकबंदी करना अनिवार्य था और स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे बंटवारे होते जा रहे, पुश्तैनी भूमि बंटवारा होता जा रहा है, उसमें क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़े में होता चला जा रहा है। फिर भूमि के सुधार के लिए कई कानून बनाए गए। 60-70वें दशक में भारत सरकार कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई। पैकेज टेक्नोलॉजी आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और फिर कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां भी आरंभ की गई थी, जिससे कि 1980-90 के दशकों में भी व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। संस्थागत तकनीकी सुधार भी आवश्यक है, जिसमें बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी से फसल बीमा का प्रावधान भी किया गया, जिससे किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जा सके। इसके लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। फिर किसानों को लाभ देने के लिए किसान ने क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शुरू की है, जिससे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों से शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, महत्वपूर्ण लाभदायक खरीद मूल्य सरकार की घोषणा करती रहती है। फिर कृषि के राष्ट्रीय व्यवस्था रोजगार उत्पादन में भी योगदान करती है। इस तरह से हम देखते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, क्योंकि यदि कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो हमारा भरण पोषण किस तरह से करेंगे, क्योंकि यदि किसान उत्पादन नहीं करेगा तो हमारा जीविका नहीं चल सकता है।
इसलिए 52% जनसंख्या के रोजगार और आजीविका का यह सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध व्यवस्था में क्षेत्रों में गिरावट लाए जाने से समाज में व्यापक निहितार्थ। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं, जैसे भारतीय कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र के अनुसंधान के विकास को वरीयता दी गई है। इसमें किसानों को कृषि अनुसंधान के अंतर्गत किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, कृषि विश्वविद्यालय के अंदर पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएं, प्रजनन संबंधी सेवाएं, बागवानी, मतलब इस तरह से क्या है, कृषि क्षेत्र में भी हम आधुनिकीकरण को अपना कर अपने उत्पादन को और उसको बढ़ा सकते हैं। फिर ये देखेंगे कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हुई है, परंतु देश की पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, कृषि विकास दर कम हो रही है, एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि यह भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ तालिका में देखेंगे कृषि उत्पादन में 13-14 में 4.2, फिर यहाँ पर 0.2, फिर यहाँ 1.1, उद्योग में भी उसी तरह से ये सारी चीज़ों में क्या हो रही, कमी मतलब होती जा रही। ये किससे पता चला, आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के आंकड़ों के द्वारा पता चला है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ सकता है, रासायनिक उर्वरक सहायक की कम उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिससे कृषि उत्पादन आयात पर घटाने से कृषि हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। वैश्वीकरण पर का भी कृषि पर प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण नहीं घटना नहीं है, ये उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में भी ये भारत व्यापारी आए थे और मसाले के देश निर्यात किए जाते थे। फिर दक्षिण भारत में किसानों में फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, गर्म मसाले भारत में निर्यात किए जाने में मुख्य बस्तियों में शामिल था। जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भारत आए थे तो कपास के क्षेत्र में आकर्षित हुए थे, कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था, जिसमें मैनचेस्टर लिवरपूल सूती वस्त्र उद्योग के लिए पैदा होने वाली उत्तम कपास की उपलब्धता पर फली फूली। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा है, इस क्षेत्र में किसानों ने नील की खेती करने पर दबाव डाला था, जिससे नील ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल था। फिर इसके बाद फिर 1990 के बाद भी वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों को मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व विकसित देशों की स्पर्धा में असमर्थ था, क्योंकि इस देश में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती थी। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है, कृषि को सक्षम लाभदायक बनाना आवश्यक हो गया है। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज कई विवादों में घिरी हुई है। क्रांति के दौरान भी रसायनों के अधिक प्रयोग, जल सूखने, जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि निम्नीकरण, जीन क्रांति संकेत के शब्द, जिससे कि जनकीय इंजीनियर सम्मिलित हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखाने निर्मित रसायनों को बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या घटते आकार जोतों के खाद्यान्न में खेती हो रही है। फिर हम यहाँ पर देखें, एक व्यक्ति हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है, जिसे भारतीय कृषि सस्यावर्तन करना चाहिए, जिससे खाद्यान्न के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, जिससे आमदनी अधिक होगी और पर्यावरण निम्नीकरण होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा, जेट्रोफा लोग सब्जी को उगाने के गन्ने आदि के उत्पादन करना चाहिए। ये जो है क्या है, ये कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगा कर भी किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे फलों और औषधीय पौधों का यदि हम उत्पादन करेंगे तो इसमें भी वर्तमान में इसमें आमदनी बहुत अधिक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इनको कम जलवायु में भी इनका उत्पादन किया जा सकता है।